सबसे पहले हम बात करते हैं डाइसेंसिटाइज सोलर सेल्स की, DSSCs सोलर सेल्स। ये एक बेसिकली थिन फिल्म सोलर सेल है, जो कि बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल इसका यही है कि सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा होता है। इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से दिखता है कि इसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें हम एक जिसके साथ हम एक ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग ऑक्साइड का एक सब्सट्रेट लेके इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए इस तरह की ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग ऑक्साइड के सब्सट्रेट लेते हैं, जो कि आपको अभी स्क्रीन में एनिमेशन के साथ क्लियरली विजिबल होगा। सेमीकंडक्टर हमारे पास इसमें पोरस यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे पास लार्ज सरफेस एरिया को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल पोरस स्ट्रक्चर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्ब कर सकें। अगर हम जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह नेट का स्ट्रक्चर होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है। द सेमी कंडक्टर इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ डाई मॉलिक्यूल्स ऑफन मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मेटल कॉम्प्लेक्सेज। द डाई अब्जॉर्ब्स सनलाइट एंड प्रोमोट्स द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट वर्किंग प्रिंसिपल है वो इसमें डाई प्ले कर रहा होता है। अब वो डाई प्ले कैसे कर रहा होता है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, ये है हमारे पास इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास ऊपर ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग कोटिंग लगाई हुई है, जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ही फोटॉन्स स्ट्राइक करते हैं, इस कोटिंग के अंदर जाके स्ट्राइक करते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनोक्रिस्टलाइन के ऊपर, देन हमारे पास ये एक डाई लगा होता है इसके साथ, टाइटेनियम डाइऑक्साइड के साथ। ये डाई हेल्प करता है इस फोटोन से निकले हुए इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। ठीक है, यहाँ पे ये जो येलो कलर की हमारे पास लेयर बनी हुई है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है जिसमें आयोडाइड और ट्राई आयोडाइड के आयंस बने हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आते हैं फ्रॉम डाई सेंसिटाइजर, यानी ये जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये डाई हेल्प करता है इस सनलाइट से जब इलेक्ट्रॉन एजेक्ट इस सनलाइट से जब इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्ट करते हैं, तो वो डाई उस इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे लाने में हेल्प कर रहा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता है, लाइक क्विकली ये मूव कर रहा होता है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी में बड़ा फ़र्क आ रहा होता है, क्योंकि ये पहले सनलाइट इधर आई, फिर फोटोन इंट्रैक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर निकाले, और फिर डाई इसको हेल्प कर रहा है। ये बेसिकली एक सोलर सेल की एक टाइप है कि हम इस मेथड से भी उसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को जनरेट कर रहे हैं। कैसे करें, इस एनिमेशन में देखें, हमारे पास फोटो इलेक्ट्रोड है जो कि फोटॉन्स को कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है टाइटेनियम ऑक्साइड का, देन उस टाइटेनियम ऑक्साइड के अंदर एटम्स हैं, इस तरह के एटम जो आपको विजिबल है स्क्रीन में। उसके आगे है एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जिसके जरिए इस टाइटेनियम डाइऑक्साइड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोलाइट्स में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट से होते हुए पूरे सर्किट में ट्रेवल कर रहे होते हैं। देन काउंटर इलेक्ट्रोड एक ऊपर इलेक्ट्रोड है और एक नीचे इलेक्ट्रोड है। ये दोनों इलेक्ट्रोड हेल्प आउट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए, और इसके बीच में एक डाई है जो इसको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है इन दो लेयर्स के दरमियान। अब हमारे पास सोलर स्पेक्ट्रम आया है, सोलर स्पेक्ट्रम से आए हैं कुछ फोटॉन्स। ऊपर अगर आप इस डायग्राम में देखें, तो इस डायग्राम में आप देखें कि फोटोन आया है एटम के साथ, जब इसने इंट्रैक्ट किया है तो ये इसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉक ऑफ हो गए हैं, उसके जो शेल से ना नॉक ऑफ हो गए हैं। अगर आप ये एरो देखें तो ये एक फोटोन आया है, उस फोटोन इसके साथ इम्पिंच किया है, स्ट्राइक किया है, एटम से उन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है वो ये इलेक्ट्रॉन है, ये रेड कलर का, ये रेड कलर का जब इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये जब यहाँ तक पहुँचा है पूरे सर्किट से होके, ये जब यहाँ तक पहुँचा है, तो ये इसके दरमियान एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट विल हेल्प दीज इलेक्ट्रॉन आउट टू ट्रेवल फ्रॉम काउंटर इलेक्ट्रोड टू फोटो इलेक्ट्रोड। इस तरह ये इतना फास्ट प्रोसेस हो रहा होता है जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन हो रही होती है। तो इसी तरह अगर हम इसकी स्कीमेटिक में देखें, तो स्कीमेटिक में हमारे पास डाइसेंसिटाइज सोलर सेल है DSSC। यहाँ पर हमारे पास फोटोन आया है, फोटोन टाइटेनियम डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन फिर वापस गया पूरे सर्किट में ट्रेवल हुआ है,
और उस ट्रैवलिंग के नतीजे में हमारे पास जो ये पर्पल कलर का इलेक्ट्रोलाइट का जो डाई है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो डाई है, इसने हेल्प आउट किया उस इलेक्ट्रॉन को वापस इधर पहुंचाने में। डाई सिंथेसाइज सोलर सेल हैव सेवरल एडवांटेजेस इंक्लूडिंग लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन एज दे कैन बी मैन्युफैक्चर यूजिंग लो कॉस्ट मटीरियल। ऑल दो ये एक थोड़ा लोअर एफिशिएंसी प्रोसेस है, लेकिन हमने ये टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई है कि हम सोलर स्पेक्ट्रम से इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी करवा सकते हैं। इसमें जो डाई यूज़ हुआ हुआ है उसकी एक खास लाइफ टाइम है, हम उसको ज़्यादा देर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हर चीज़ की एक बेसिकली लाइफ टाइम होती है। उसको हम इतनी देर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि डिग्रेडेशन होती है, मटेरियल की डिग्रेडेशन होती है, बार बार किसी को यूज़ करो तो उसका लाइफ स्पैन कम होता रहता है। हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो मोस्टली फोकस्ड हैं सोलर सोलर सेल की फील्ड में, उनके सेमीकंडक्टिव मटेरियल्स में, हम उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ नए नए मटेरियल्स भी देखने को मिल रहे हैं, आइदर वो ऑर्गेनिक हैं या इनऑर्गेनिक हैं। देन हम उसके जो डाई सिंथेसाइज में जो कंडक्टर यूज़ हो रहे हैं, जो ट्रैवलिंग में इलेक्ट्रॉन की ट्रैवलिंग में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, उन इलेक्ट्रोड्स पर भी काम हो रहा है, आइदर वो एल्यूमिनियम के हैं, कॉपर के हैं, इस तरह के निकल के हैं, डिफरेंट कंडक्टर जो मेटल्स में शुमार किए जाते हैं उन पर भी काम हो रहा है। फिर ये बेसिकली फोटो इलेक्ट्रोड, फोटोन्स का जो कंडक्टर है इसको हम फोटो इलेक्ट्रोड कहते हैं। फिर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहा है इसमें, इनमें भी काफ़ी काम हो रहा है, आइदर उसमें आयंस की प्रोडक्शन हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में ना बेसिकली आयंस होते हैं ना, तो आयंस के साथ भी इसकी इंट्रैक्शन हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन के साथ जब इंट्रैक्शन हो रही होती है तो ये एक कंडक्टिंग लेयर से दूसरी कंडक्टिंग लेयर में जा रहे होते हैं, तो उस इलेक्ट्रोलाइट की सोल्यूशन की भी हम स्टडी करते हैं कि ये कितनी देर तक इसका लाइफ स्पैन कितना है, कितनी देर तक ये चलेगा। देन ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है, इसमें कितना साइज है, साइज इन्वॉल्व है, कितनी देर बाद जाके ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। कंडक्टिंग वायर्स हम कॉपर की यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम जिस तरह सोलर पैनल्स में वायर्स लगी होती हैं ये उस तरह की वायर्स हैं, इधर वो कॉपर की यूज़ हुई हैं, एल्यूमिनियम की यूज़ हुई हैं। फिर उसके जहाँ पर वो फैब्रिकेट हुआ है उसकी एक प्रिसाइज इन्वायरमेंट है, प्रिसाइज इन्वायरमेंट मीन्स के वहाँ पे कोई कंटेमिनेशन नहीं है, जिस तरह हमारे सेंटर में क्लीन रूम की फैसिलिटी है वहाँ पर कोई कंटेमिनेशन नहीं होती, वहाँ पर कोई हीपा फिल्टर्स लगे तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हों उनको एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे होते हैं। देन हमारे पास उसके बाद करेक्टराइजेशन एंड एनालिटिकल टूल्स हैं जिससे हम सोलर सेल की एफिशिएंसी को एवेल्यूएट कर रहे होते हैं।